यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूँ अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। खबरों का रुख करेंगे लेकिन उससे पहले बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त, जहां पर फोर्टिस अस्पताल में सीमा घई मौत के मामले में अब कार्रवाई की गई है। फोर्टिस अस्पताल के दो डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम में, फोर्टिस अस्पताल में सीमा घई की मौत के मामले में फोर्टिस अस्पताल के दो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। कार्डियोलॉजी SS मूर्ति और मेडिकल ऑफिसर वज्जा नागार्जुन को गिरफ्तार किया गया है। SIT ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही दोपहर बाद कोर्ट में पेश करने की संभावना भी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीमा घई की मौत डॉक्टर की कथित लापरवाही के कारण हुई थी और साथ ही मेडिकल बोर्ड जो गठित हुआ था इसकी जांच के लिए, उसमें भी लापरवाही सामने आई थी, जिसको लेकर अब कार्रवाई की गई है। फोर्टिस अस्पताल के दो डॉक्टर्स अब गिरफ्तार किए गए हैं। SIT ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त गुरुग्राम से, सीमा घई की मौत में डॉक्टर्स की कथित लापरवाही के कारण हुई मौत में अब आखिरकार SIT ने दो डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया है जिनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगे थे। और साथ ही फोर्टिस अस्पताल का ये पूरा मामला है। कार्डियोलॉजिस्ट SS मूर्ति और मेडिकल ऑफिसर वज्जा नागार्जुन को गिरफ्तार किया गया है। और ज्यादा जानकारी देंगे गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता, गुरुग्राम से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, सीमा घई की डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते मौत हुई थी, दो डॉक्टर्स को अब आखिरकार गिरफ्तार किया गया है SIT की ओर से, ज्यादा जानकारी खबर पर। देखिए बिल्कुल, गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में 2017 में 51 डॉक्टर सीमा घई की जिनका दौरा पड़ने से जो है उसको समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई थी। सीमा घई के परिवार वालों ने डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी के कारण इसे बताया था कि मौत को, उस मामले में एक SIT टीम का गठन किया गया था जिसमें दो डॉक्टरों को जो है आरोपी करार दिया गया कि इन दोनों डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं किया जिसके कारण सीमा घई की मृत्यु हो गई। और दो घंटे तक जब वो गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंची तो वो दो घंटे तक उन्हें इलाज नहीं मिला जिसके कारण उनकी वहां पर ही मौत हो गई। तो फिलहाल दोनों डॉक्टरों को गुड़गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अदालत में पेश करने के बाद जो है उनकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद पूरी तहकीकात की जाएगी कि आखिरकार किन कारणों से जो है सीमा घई का इलाज समय पर नहीं किया गया। जी गुलशन, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जो गठित किया गया था इस पूरे मामले की जांच के लिए, उसमें भी इन दोनों डॉक्टर्स की लापरवाही जो है वो सामने आई थी। इसमें अब जाकर SIT ने जो है इन दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है, क्या दबाव था पुलिस के ऊपर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जो केवल पैसों के लिए ही मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसे में इससे पहले भी मेदांता हॉस्पिटल का मामला उजागर हुआ था, पारस हॉस्पिटल का भी मामला उजागर हुआ था, लेकिन अब की बात जो फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही से सीमा घई की महिला की जो मृत्यु हुई है और इससे पहले एक बच्चे की भी जो है यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही से मृत्यु हुई थी, तो अब जो है मामला काफी तूल पकड़ा था। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी संज्ञान लिया था, उन्होंने कहा था कि मामले की जांच की जाए और तहकीकात की जाए कि आखिरकार डॉक्टरों ने क्यों लापरवाही बरती है। तो इसमें जो है SIT टीम की गठित की गई थी, उसके बाद ये मामला खुलासा हुआ और अब दो डॉक्टरों के साथ गुड़गांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी के लिए। तो दो डॉक्टर्स को आखिरकार अब गिरफ्तार किया गया है फोर्टिस अस्पताल के, जिनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगे थे कथित, और साथ ही यहां पर सीमा घई की मौत डॉक्टर्स की कथित लापरवाही के कारण हुई थी जिसके चलते अब इन दोनों डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया गया है। SIT ने इन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि मेडिकल बोर्ड में भी की जांच में भी इन दोनों डॉक्टर्स की लापरवाही जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद में अब SIT की ओर से कार्रवाई की गई है। SIT ने दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है और साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।